बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर सोमवार को रांची के ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी ने उन्हें 5 दिसंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था। पंकज मिश्रा को जेल में नियम विरुद्ध सुविधा देने को लेकर ईडी ने उन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया था। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर को दूसरी बार नोटिस जारी किया गया है। इधर ईडी ने पंकज मिश्रा के अब तक रिम्स में जमे रहने की भी जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जांच के लिए ईडी की एक टीम रविवार की दोपहर करीब 2 बजे रिम्स पहुंची थी। रिम्स की ओर से पंकज मिश्रा को डिस्चार्ज करने और इसकी सूचना जेल प्रशासन को दिए जाने की भी जानकारी मांगी गई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।